तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक के नॉलेज में। गाइस, एक बड़ी अपडेट निकल के आई है ओबी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग 2020 से। गाइस, यहाँ पे एक न्यू नोटिस आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन एडिशनल फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट अपियरिंग इन द ओबीई मोड। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे एक जो है आपके लिए नोटिस जारी किया है। इसमें कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ जारी की हैं गई हैं स्टूडेंट्स के लिए जो ओबीई एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं। आइए इस नोटिस को पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस ये आपका नोटिस है जो कल आ गया है। देखिए कल देर रात में आया था। लेकिन गाइस इस पर एक बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गाइस आज मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। गाइस एक मोटिवेशनल वीडियो होगी जो आपके कल होने जा रहे हैं ओबीए एग्जाम के लिए। तो गाइस उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देखेगा इस उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज वीडियो चैनल पर अपलोड होगी, ठीक है गाइस, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो लेकिन अब इस नोटिस पर बात कर लेते हैं गाइस। तो ये नोटिस आपका हाईकोर्ट में एक नया ऑर्डर पास हुआ है, उसके उसके चलते आपको स्टूडेंट को कुछ नई फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो क्या देखिएगा, इसमें पहले पॉइंट में बताया गया है, जो देखिएगा इसमें पहला पॉइंट बताया गया, स्टूडेंट को गाइस अब 3 घंटे की जगह 4 घंटे दिए जाएंगे एग्ज़ाम करने के लिए। यानी पहले 3 घंटे का समय था, पर अब एक आम बच्चे को भी 4 घंटे दिए जा रहे हैं। गाइस 3 घंटे होंगे उनका क्वेश्चनों को आंसर लिखने के लिए, पूरी 3 घंटे में वो आंसर लिख सकते हैं और 1 घंटा उनको एडिशनल मिलेगा, वो होगा गाइस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए और आंसर शीट को अच्छे से स्कैन करके अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉइंट। इसमें दूसरे पॉइंट में इन्होंने बात की है, जो गाइस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे होंगे पीडब्ल्यूडी के, उनको मिलेंगे पूरे 6 घंटे। ठीक है, मतलब वो अपना 5 घंटे 4 घंटे में अपने आंसर दे सकते हैं और 2 घंटे में ये स्कैनिंग द आंसर शीट्स और वो अपना कर सकते हैं क्वेश्चन पेपरों को डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बी पार्ट में बात की है, दो कुछ 6-7 पॉइंट हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, स्टूडेंट हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर अपलोडिंग, मतलब गाइस ये आप पे ऑप्शन होंगे आपको आंसर शीट अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने पहले पॉइंट में लिखा है, स्टूडेंट कैन स्कैन द आंसर शीट पेज बाय पेज और क्वेश्चन वाइज एंड अपलोड द फाइल ऑन द पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी विद इन द 7 MB लिमिट। तो गाइस इन्होंने क्या कहा है, जो आप गाइस अपनी PDF फाइल या फिर जो आप स्कैन करके वहाँ पे इमेजेस अपलोड करेंगे पोर्टल के थ्रू, वो गाइस आपकी 7 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7 MB यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ठीक है, 7 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए आपकी। दूसरे पॉइंट में कहा है स्टूडेंट कैन ऑल्सो कन्वर्ट देयर आंसर शीट इंटू PDF फाइल इधर क्वेश्चन वाइज और इंटरली एंड ईमेल द सेम टू रिस्पेक्टिव कॉलेज डिपार्टमेंट फैसिलिटी ईमेल और ओनली एट द सेंट्रल ईमेल एड्रेस obscript@exam.ac.in एज डिफाइंड इन फॉलोइंग पॉइंट्स नंबर 3 और 4। तो गाइज इन्होंने यहाँ पे सबसे ये बढ़िया पॉइंट कहा है, देखिए मान लीजिए, अगर मान लीजिए गाइज आपका आंसर शीट आप पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पाए, तो ये पहले बात पे हमने पहले भी किया बहुत बार, लेकिन गाइज इन्होंने क्या कहा है, अगर मान लीजिए आप अपनी आंसर शीट को अपलोड नहीं कर पा रहे, तो आप उसे अपने मान लीजिए जैसे कोई शिवाजी कॉलेज का बच्चा है, तो गाइज वो शिवाजी में भेज सकता है। ठीक है, डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट को वो अपना जो आंसर शीट है वो स्कैन करके वहाँ पर भेज सकता है PDF फाइल के थ्रू। ठीक है, और वरना तो यहाँ पर एक मेल ईमेल आईडी दे रखी है, आपको अपनी आंसर शीट इस ईमेल आईडी पर भेजनी देनी है अगर कोई भी बच्चा अपलोड करने में अनसक्षम रहता है तो। ठीक है, obscript@exam.du.ac.in। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बात किया गया, स्टूडेंट मस्ट राइट रोल नंबर यूनिक पेपर कोड एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर ईमेल्स रोल नंबर UPC डेट। तो भाई इन्होंने ये कहा है, आपको जो अपना जो पहला पेज होगा आपको शीट का मेन बॉडी, यहाँ पे देखिए उन्होंने नीचे भी यही बात की है, आपको क्या क्या लिखना होगा उस पर, स्टूडेंट का नाम, अपना नाम, आपका एग्जाम रोल नंबर, नेम ऑफ प्रोग्राम यानी आपका कोर्स, यूनिक पेपर कोड जो आपको मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, टाइटल ऑफ द पेपर, नेम ऑफ कॉलेज, सेमेस्टर और डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है गाइज, ये आपको लिखना होगा अपने मेन बॉडी पे यानी पहले पेज पे। ठीक है, आंसर शीट के। और पांचवें पॉइंट में इन्होंने कहा गाइज, दूज स्टूडेंट हु अपलोड द आंसर शीट ऑन द पोर्टल वुड रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट। तो गाइज इन्होंने पांचवें पॉइंट में कहा गया, मतलब जो भी बच्चे अपनी आंसर शीट्स को पोर्टल पे अपलोड करेंगे वो एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेंगे, यानी गाइज उनको एक मैसेज दिया जाएगा कि उनकी आंसर शीट वहाँ पे पहुँच चुकी है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है गाइज सूचना की प्राप्ति कराना। ठीक है, मतलब जैसे अगर जैसे ही आप अपना अपना पोर्टल पे आंसर शीट अपलोड कर देंगे तो वो वहाँ पे आपको एक मैसेज सा भेज देंगे जिससे आप कन्फर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरी आंसर शीट वहाँ पर पहुँच चुकी है। ठीक है, और छठे पॉइंट में इन्होंने कहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट हु ईमेल द आंसर शीट टू द सेंट्रल ईमेल एड्रेस पर .2 मेंटेन अबव शैल रिसीव ऑटो जनरेटेड एक्नॉलेज्ड रिसिप्ट। तो गाइज उन्होंने कहा गया, जो छठे में जो ईमेल पे अपने मतलब आंसर शीट्स को अपलोड करके भेजेंगे उनको गाइज उनकी ईमेल पे ही ऑटो जनरेटेड एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, रिसिप्ट मिल जाएगी, वो वहाँ पे अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी पे ही। तो गाइज यही आपका ये पॉइंट था पूरा, उम्मीद करता हूँ आपको मैं पूरा अच्छे से समझा दिया। और गाइज आखिरी बार फिर कह रहा हूँ, आज एक इंपॉर्टेंट
वीडियो डालने वाला हूँ आप उसको भी जरूर देखिएगा। और यहाँ पे एक सातवां पॉइंट भी दे रखा है, द लिस्ट ऑफ नोडल पर्सन्स अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल एड्रेस ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट फैसिलिटीज हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड एट द सेम आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो गाइस इसकी बात हमने पहले वाली वीडियो में ही अपनी कर ली थी, तो ऑल अबव इन्फॉर्मेशन हैव बीन गिवन बेस्ड ऑन द रेफरेंसी ऑफ ऑर्डर। तो गाइस बस यही आपके लिए मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा जो आज मैं डालूंगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो यूजफुल लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को जरूर दबाइए ताकि रोज ऐसे आने वाली अपडेटों के नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पे मिले। अब हम मिलते हैं गाइस आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।